नमस्कार, जम्मू लिंक्स न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं विशाल शर्मा। आज हर कोई जो है वो अब इंतज़ार कर रहा है कि किस वक्त जो आदेश आए लॉकडाउन को लेकर, और उन्हें ये मालूम चले कि अब सोमवार से जम्मू कश्मीर की जो परिस्थितियां हैं वो कैसी होंगी। बहुत से जो लोग हैं अब तक यही कह रहे हैं कि एक सप्ताह का जो लॉकडाउन है वो अभी और जो है वो यहाँ पर रहेगा और जो चेंजेस हैं वो इसमें नहीं होंगी। लेकिन हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं, हमने उनसे जब इस बारे में जानकारी चाही तो हमें ये जानकारी दी गई है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो आर्थिक आपकी गतिविधियां हैं, उन्हें अब इस सोमवार से कुछ अतिरिक्त जो छूट है वो मिलने की पूरी संभावना है और उन्हें वो छूट मिल सकती है। जो हमारे टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी जो डेलीब्रेशन हुई, जो बातचीत हुई तमाम जो बिजनेस मैन के साथ, तमाम जो ट्रेडर्स हैं, तमाम जो चैम्बर की जो बॉडीज़ हैं, तो उन्होंने भी यही रिकमेंड किया कि हाल फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो इस प्रकार से हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, तो ऐसे में उन्हें छूट मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल हर बार यही होता है कि क्या जो एडवाइसेस और जो सजेशंस मंगवाए जाते हैं तो क्या उन्हें कोई कंसिडर करता भी है या नहीं। हालांकि अगर इस बार आप देखें तो इतने कंसिडर नहीं किए गए, और यही वजह रही कि जो फैसले आए वहां से तो लोग उनको लेकर उतने खुश नहीं थे, खासकर ट्रेडर्स इतने खुश नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि आज फिर से शनिवार है, कल जो है रविवार है, और परसों सोमवार सुबह 7 बजे तक ये आदेश जो है ये वैलिड है, जो हाल फिलहाल लॉकडाउन जो हम लोग फेस कर रहे हैं। हालांकि इसमें भी काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में छूट है, और ऑटोमोबाइल अगर आप सेक्टर देखें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा छूट है। लोग बड़े आराम से अब अपनी जो शॉप्स हैं वो खोल रहे हैं, और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो स्टॉक वेरिफिकेशन की भी छूट दी गई है। लेकिन वो ट्रेडर्स जिन्हें हाल फिलहाल पिछले, अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो 29 अप्रैल से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो उन्हें बिल्कुल भी इसमें कोई रिलैक्स नहीं मिला, जिसमें आपके शूज़ वाले आते हैं, आपके गारमेंट्स वाले आते हैं, उसके अलावा और कुछ नॉन असेंशियल एक्टिविटीज़, जो नॉन असेंशियल सामान है, तो उन ट्रेडर्स को भी छूट अब तक एक भी बार नहीं मिली है। और जैसा कि कल आपने मेरे इंटरव्यू में देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू, अरुण गुप्ता जी, तो उन्होंने भी एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि कुछ नॉन असेंशियल कमोडिटीज ऐसी होती हैं जो एक हफ्ते के बाद, यानी कि 7-8 दिन के बाद आपकी असेंशियल हो जाती हैं। अब उसमें कर लीजिए आपका, अगर ऑयल है, अगर आप हेयर ऑयल यूज़ करने हैं तो आपके पास उसका स्टॉक कम है तो वो आपके लिए असेंशियल है। आपका अगर टूथब्रश आपका ख़राब है तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इसके अलावा कुछ और आप कर लीजिए, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब डे टू डे आपको यूज़ में तो नहीं आती, लेकिन 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद वो फिर आपको उनकी ज़रूरत होती है। तो ऐसी दुकानें पिछले 1 महीने से, मतलब कि 29 अप्रैल से ये दुकानें जो हैं ये हाल फिलहाल इन्हें खुलने की अनुमति नहीं मिली, और इसीलिए जो चीज़ें 7 दिन या 15 दिनों के अंदर एसेंशियल हो जाती हैं तो वो लगभग अब 1 महीने से बंद हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं जो चीज़ है वो कंसिडर इस बार ज़रूर की जाएगी, जहाँ तक हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि नॉन असेंशियल चीज़ भी जो है वो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद असेंशियल जो है वो हो जाती है। तो ऐसे में जो दुकानें नॉन असेंशियल जिन्हें अब तक खोला ही नहीं गया, तो वो भी अब असेंशियल जो है कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में थोड़ी बहुत जो है वो फॉल करने लगी है। और दूसरा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैम्पर ना हो इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने भी बहुत बार कहा, और खास करके जो ऑन ग्राउंड जो मार्केट की जो सिचुएशन है, और खासकर जो छोटे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिए हैं और जिनके वहां पर कुछ जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरीज जो हैं वो अब 1 महीना हो गया है, तो शायद वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो तमाम जो अधिकारी हैं और तमाम जो चैम्बर्स की बॉडी हैं, उसके अलावा ट्रेडर्स जो भी हैं, तो सबकी यही एक इस समय डिमांड थी कि मार्केट में जो है वो कुछ एडिशनल जो रिलैक्स है वो इस बार होना चाहिए इस सोमवार से। हालांकि पूरा जो लॉकडाउन है वो तो शायद जो आप अपकमिंग मंथ है उसमें भी रहेगा, रिस्ट्रिक्शंस आपकी जो है वो पूरी तरह से रिमूव नहीं होंगी, लेकिन बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर कंसिड्रेशन के बाद जो हाल फिलहाल हमारे सूत्रों ने बताया है कि कुछ एडिशनल छूट जो है वो जो आदेश आएगा उसमें ज़रूर होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा और जो है वो सरकार ढील देगी ताकि
जिन लोगों का सिस्टम पूरी तरह से क्लैप्स हो चुका है, खास करके अगर आप सोचें तो रेडीमेड गारमेंट है, शूज़ की दुकानें हैं, बैग्स की दुकानें हैं, उसके अलावा और भी इस तरह की कई शॉप्स हैं जिन्हें 1 महीने से खुलने की अनुमति ही नहीं है, तो उन लोगों की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, असल में उनका भी घर बार है, तो वो भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो उस पॉइंट को भी जो है कहीं ना कहीं इस बार कंसिडर किया जाएगा। हालांकि बहुत सी मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं कि वो भी ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं हटेगा और छूट जो है वो शायद ना मिले, लेकिन हमारे जो सोर्सेस हैं उन्होंने हमें यही बताया है कि कुछ ना कुछ जो है इस बार अतिरिक्त तो जरूर होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट जो है, सपोर्ट सिस्टम जरूर दिया जाएगा ताकि जो लोगों की शिकायतें हैं वो कुछ हद तक जो है वो कम की जा सके। हाल फिलहाल आप देखें अगर तो आपको जो मंडी है वो खुली है और डेयरी प्रोडक्ट वो खुले हैं, उसके अलावा भी मतलब इस तरह की चीज़ें खुली हैं जो आप सुबह 6 से 11 तक आप वहाँ पर जाकर सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर अब जो है वो खोला गया है और वो फुल डे है, लेकिन इस सब के बावजूद उनकी भी यही शिकायत थी कि जब तक बाकी बाजार नहीं खुलेगा तो हमारे पास कस्टमर जो है वो नहीं आएगा, कस्टमर विशेषकर एक आइटम के लिए नहीं आएगा। लेकिन दूसरी ओर बेशक जो हमारे पॉजिटिविटी रेट हैं, बेशक हमारे फिगर्स कम हुए हैं, लेकिन सरकार जो है वो रिस्क जो है वो हाल फिलहाल नहीं उठा सकती ताकि ये मामले दोबारा ना बढ़ जाएं। लेकिन उसके अलावा एक और पहलू ये है कि अब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पहले से 1.5 गुना बढ़ गया है, यानी कि हमारे पास डीआरडीओ का जो हॉस्पिटल है वो एकाएक आज उसकी लॉन्चिंग हो गई है, आज वो ओपन हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक जो प्रेशर रिलीज होता है कि हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, यदि हम कोई चीज़ ओपन अप करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन में मामले 500, 1000, 2000 ज़्यादा आ जाएं, तो अचानक से जो सर्ज होगा तो उस सर्ज को हमारे ऑलरेडी ओवरबर्डन इंस्टीट्यूशंस हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक टेंशन हाल फिलहाल सरकार के सर से जो है वो उतरी हुई है, क्योंकि हमारे पास डीआरडीओ का 500 बेडेड हॉस्पिटल विद आईसीयू फैसिलिटी अब तैयार है और उसका जो ओपनिंग है वो हो चुकी है। ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर इस बार ये है कि जो 45+ की वैक्सीनेशन है वो भी काफ़ी हद तक जो है 100% तो वो हो चुकी है, और सेकेंड डोज भी बहुत से लोगों ने ले ली है, और 18+ की वैक्सीनेशन ड्राइव भी अभी जारी है। तो आज मैं फिगर्स भी पढ़ रहा था, करीब करीब 30 करोड़ तक के जो वैक्सीनेशन है वो एडमिनिस्ट्रेट हो चुके, तो काफ़ी हद तक जो मोस्ट रिस्क फैक्टर में थे, जो मतलब डेंजर जोन में जो लोग थे 45+ के सीनियर्स, उनकी 100% वैक्सीनेशन जो है वो हो चुकी है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट जाता है कि अब थोड़ी जो रिलैक्स जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दी जाए, क्योंकि लोग जो है वो इस बात को लेकर भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो मेंटल स्ट्रेस लेना शुरू हो गए हैं कि उनका जो व्यवसाय है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, वो सैलरीज नहीं दे पा रहे, उन पर बैंक के जो लोन है वो बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं अगर इनको कंबाइन करके देखा जाए तो ये पूरी संभावना है कि छूट जो है वो मिल सकती है, कुछ छूट, एडिशनल छूट जो है वो जो ऑलरेडी है उसके अलावा कुछ ना कुछ एडिशन हो सकती है। हो सकता है स्पेशल विंडो के थ्रू 2 घंटे की या 3 घंटे की जो रेडीमेड वाले हैं या फिर जो शूज वाले हैं उन्हें परमिशन दी जाए कि आप सेल कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है इस वक्त यदि किसी शख्स को शूज खरीदने हो, किसी को रेडीमेड गारमेंट लेने हो, तो वो क्या 1 महीने के बाद भी वेट करता रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और किसी को ब्रश लेना है, किसी को अगर हेयर ऑयल लेना है, तो क्या वो लोग भी वेट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें 7 दिन 10 दिन तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये भी एसेंशियल में फॉल करना शुरू कर जाती हैं। जैसे आपका शैम्पू है, बहुत बार ये भी हमें लोगों ने कहा कि सर अब शैम्पू को आपने नॉन एसेंशियल में कैसे रख दिया, जबकि वो तो हमें डेली यूज़ पर है। तो ओवरऑल ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत से फैक्टर्स पर कंसिडरेशन किया जाएगा, लेकिन इस बार कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर र्यूमर्स की बात करें तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो वाइन ट्रेडर्स हैं उन्हें परमिशन दी जाएगी, यानी कि जो वाइन शॉप्स हैं शायद वो पार्शली 1 तारीख से खोली जाएं, लेकिन हाल फिलहाल जो परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार का हमें रिपोर्ट हुआ है उन्हें जो है वो परमिशन अगले 7 दिनों तक शायद ना मिले। तो अगर वाइन की बात करें, वाइन शॉप्स की बात करें, तो वो शायद इस बार के जो रिलैक्सेशन होगी उसमें उनका नाम जिक्र नहीं होगा, क्योंकि एक तो उनका जो अपना इशू है वो अभी चल रहा है, दूसरा शॉप्स के अलॉटमेंट का इशू है, तीसरा ये है कि वाइन शॉप्स के खुलने से भीड़ जो है कहीं ना कहीं वो अचानक से ज्यादा हो जाती है और लोग वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, और इस चीज का पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जब लास्ट टाइम वाइन शॉप्स ओपन हुई थी तो जो भीड़ लंबी लंबी लाइंस जो थी उनके बाहर देखी गई थी, तो प्रशासन जरा उस चीज को भी अपने जहन में रखे हुए है। तो ये पूरी संभावना है कि वाइन शॉप्स जो है वो इस लॉकडाउन यानी कि सोमवार से नहीं खुलेंगी, ऐसा हमें सूत्रों के हवाले से बताया गया है। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाकी की और वो चीज़ें जो नॉन असेंशियल से
7 दिन 10 दिन में एसेंशियल में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उनको लेकर जो है वो छूट मिलने की पूरी संभावना है और एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो इस बार एडअप होंगी, ऐसा हमें सूत्रों ने बताया है। मैं आपको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, तो बहरहाल हमें भी इंतजार है उसी आदेश का कि उस आदेश में क्या आता है और क्या क्या आपको एक्स्ट्रा जो छूट है वो मिलती है। लेकिन सूत्रों ने जो कहा हमने आपको बता दिया कि पूरी संभावना है कि कुछ छूट जो है वो इस आदेश में सोमवार से आपके लिए हो सकती है। आप देखते रहिए जम्मू।